ये जानवर मरने के बाद भी होते हैं खतरनाक। किसी खतरनाक डेड एनिमल को देखकर आपको ऐसा फील होता होगा ना कि यहाँ तो कोई खतरा नहीं है। जिंदगी भर डर की वजह से जिस एनिमल को ठीक से देख नहीं पाए, उसके मरने के बाद तो एटलीस्ट उसे टच भी कर सकते हैं, है ना? और अक्सर आपने देखा भी होगा कि कोई खतरनाक जानवर जैसे सांप अगर कहीं मर जाता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है, कई तो उसे टच करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खतरनाक है? हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लव और आज मैं आपको उन इनक्रेडिबल जीवों के बारे में बताने वाला हूं जो मरने के बाद भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने कि जिंदा रहते हुए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ये जानने के लिए कि कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं ना। नंबर वन, अक्सर लोगों को लगता है कि पानी से निकलने के बाद तो मछलियां बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हो सकती क्योंकि वो मर जाती हैं, तो खतरा कैसा? इस जनाब ने भी यही गलती कर दी और समुद्र से निकली मछली ने जैसे ही दम तोड़ा, ये जनाब उसके मुंह में हाथ डालकर ये चेक करने लगे कि मछली ने आज क्या खाया है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इन्हें ये मालूम हो गया कि एक डेड फिश भी कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जैसे ही फिश के मुंह में इन्होंने हाथ डाला, मछली ने इनके हाथ को दबोच लिया। पास ही खड़े शख्स ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन इनका हाथ बाहर नहीं निकल सका। अब जरा इस फिश को देखिए, इसके तो दांत ही इतने खतरनाक हैं, ऊपर से बॉडी भी नहीं है, सिर्फ सरे सिर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है तो अभी आपकी सोच बदलने वाली है। देखिए जरा, इन लोगों ने जब इस मछली के मुंह में कोका कोला की एक कैन को डाला तो कैन की क्या हालत हुई? पकड़ देखिए कितनी मजबूत है। अगर यहाँ किसी का हाथ होता तो आप सोच ही सकते हैं कि उसका हाथ तो रहना नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप एक क्लिप और देखिए। यहाँ तो इस फिश के शरीर पर कट है जिसके अंदर का माल भी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। देखिए, हालांकि ये मछली पूरी तरह से मर चुकी है लेकिन मरने के बाद भी ये मछलियां आपके लिए उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं जितनी कि जिंदा रहते हुए। तो गलती से भी मरी हुई फिश को टच करने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि एक फिश पूरी तरह मरने के बाद भी इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोल्ड ब्लड वाले एनिमल्स होते हैं, मतलब इनका शरीर तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है लेकिन दिमाग की नसें और मांसपेशियां ठंडे तापमान में कुछ समय तक जिंदा रह सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन एक मछली का सर धड़ से अलग होने के बाद भी अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो वो जिंदा रहता है और बिल्कुल किसी नॉर्मल मछली की तरह तैरता है। यकीन नहीं होता तो इस क्लिप को देख लीजिए। नंबर टू, दोस्तों अगर हमें सांप का नाम भी सुनने को मिल जाए तो हम डर से कांप जाते हैं। ज्यादातर लोगों को सांप के नाम से ही डर लगता है और गलती से अगर ये उनके सामने आ जाए तो दिल के दौरे का खतरा भी बना रहता है। सांप से डरने वाले में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मरे हुए सांप को भी देखना पसंद नहीं करते, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांप के मरने के बाद उसे छूना चाहते हैं। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जरा संभल के, कहीं आपकी ये इच्छा आपकी मौत का कारण ना बन जाए। वैसे किसी भी सांप को देखकर एक इंसान तीन ही चीजें सोच सकता है, पहली उसे मार दो, दूसरा वहां से भाग जाओ और तीसरा उसका सर धड़ से अलग कर दो। लेकिन आपको बता दें कि सर धड़ से अलग होने के बाद भी सांप में उतना ही जहर होता है जितना कि उसके पूरे शरीर में था, और सर धड़ से अलग होने के काफी देर तक भी सांप जिंदा रहता है और आपके लिए पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जरा इस क्लिप को देखिए, सांप और उसका सर दोनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उसे टच करते ही वो हमला कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन इस कंडीशन में भी सांप एक इंसान को मौत की नींद सुला सकता है, क्योंकि सांप के जहर की थैली उसके सिर में ही अटैच होती है, सिर से होती हुई वो उसके दांतों में अटैच होती है। वहीं इसके चेहरे के पास कुछ ऐसी मसल्स होती है जो मरने के बाद भी कुछ समय के लिए एक्टिव रहती है। ये सेल्स गर्मी का पता लगाने में मदद करती है और सांप का सर अलग हो जाने के बाद भी ये उतने ही अटेंटिव होकर काम करती है जितना कि उसके जिंदा होने पर करती है, और बड़ी ही आसानी से सांप शरीर से अलग हो जाने के बाद भी अपने शिकारी पर हमला कर देता है। उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे कि किसी सर कटे सांप के पास गलती से भी नहीं जाना है और सिर्फ
सिर ही नहीं उसके बाकी के शरीर से भी उतनी ही दूरी बनाए रखनी है, वरना कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, इसके अलावा रेगिस्तान का जहाज ऊंट भी मरने के बाद खतरनाक हो सकता है। ये शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी दूर दूर तक नहीं मिलता, जिसकी वजह से इंसान क्या और क्या जानवर सभी परेशान हो जाते हैं। इसी तरह रेगिस्तान में घूमने गया एक यात्री भी प्यास से परेशान था, तभी उसकी नजर एक मरे हुए ऊंट पर पड़ी। अब वो शख्स उस ऊंट के पास पहुंचा और उसे काटकर उसके पेट से पानी निकालने की सोचने लगा। आपको बता दूं कि ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर किसी एनिमल की मौत होती है, तो उसका शरीर लिपिड को मेटाबोलाइज होने से रोक देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद वसा यानी फैट मीथेन गैसों में टूट जाता है। इसके अलावा ऊंट के पेट में पानी का पाचन नहीं होता है और उसके पेट में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरी गैसों को प्रोड्यूस करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म न सिर्फ स्किन को ड्राई और नाजुक बनाते हैं, बल्कि ऊंट के शरीर में ज्यादा से ज्यादा गैसों का निर्माण भी करते हैं। ये गैसेस ऊंट के पेट में किसी गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं और एक हल्का सा टच भी इनके फटने के लिए काफी होता है। इसलिए इस मूर्ख यात्री जैसा ना करें, वरना ये आपकी पहली और आखिरी गलती भी साबित हो सकती है। नंबर 4, कुछ समय पहले ताइवान से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक 17 मीटर डेड व्हेल को एक बड़े से ओपन ट्रक की मदद से साउथ ताइवान के नेशनल चियांग कांग विश्वविद्यालय ले जाया जा रहा था, जहां व्हेल के शरीर को एग्जामिन किया जाना था। लेकिन रास्ते में ही व्हेल के शरीर के अंदर एक ऐसा विस्फोट हुआ कि हर कोई हिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो जरा समुद्र के किनारे मरी पड़ी इस व्हेल का वीडियो क्लिप भी देख लीजिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि उससे पहले हुआ था। दोस्तों, व्हेल काफी इंटरेस्टिंग और समुद्र का सबसे बड़ा जीव है, इसलिए जब कोई मृत व्हेल समुद्र के किनारे दिखाई दे तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप भी इस भीड़ का हिस्सा हैं, तो आपके और व्हेल के बीच में लगभग 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए, वरना इसके अंदर के लावे के साथ आपका जीवन भी बह सकता है। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई व्हेल मर जाती है तो उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और सांस न लेने की वजह से उसके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर नहीं आ पाती और वो शरीर के अंदर ही कोशिकाओं के साथ मिलकर तेजाब बनाने लगती है। इस तेजाब की वजह से व्हेल के अंदर की कोशिकाएं मरने लगती हैं और उसका शरीर भी अंदर से गलना शुरू कर देता है। वहीं व्हेल के शरीर में खाना पचाने वाले जो करोड़ों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरने लगते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन इस्तेमाल न करने वाले बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ती है और ये उसके शरीर के अंदर प्रोटीन, चर्बी और कार्बोहाइड्रेट को खाना शुरू कर देते हैं। बता दें, इस क्रिया की वजह से ही वेस्ट मटेरियल के सड़ने से बायोगैस बनती है, जो कि वेल ही नहीं हर जीव यहाँ तक कि इंसानों में भी होती है। लेकिन छोटे जीवों में ये गैस नाक और मुंह से धीरे धीरे बाहर आती रहती है, लेकिन जितना बड़ा जीव होता है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा बायोगैस बनती है जो नाक और मुंह से नहीं निकल पाती और इसीलिए इस तरह का विस्फोट होता है। व्हेल का शरीर क्योंकि बहुत बड़ा होता है, इसलिए जब भी उसके शरीर में ये विस्फोट होता है तो उसके शरीर से ब्लड के साथ मांस के बड़े बड़े लोथड़े टाइप निकलते हैं, जो इतनी रफ्तार से निकलते हैं कि अगर कोई इंसान इनके सामने आ गया तो उसका मरना तय है, क्योंकि यह विस्फोट हवा में पूरे 250 मीटर तक पहुंचता है। इसलिए मरी हुई व्हेल से जरा दूर ही रहे। नंबर 5, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। कुछ लोगों ने मरे हुए हाथी की स्किन निकालनी चाहिए, लेकिन तभी व्हेल की तरह यहाँ भी ऐसा ब्लास्ट हुआ कि हर कोई हाथी को छोड़ दूर भाग गया। जरा देखिए, उम्मीद है दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि कुछ जानवर मरने के बाद भी आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखने में ही हमारी भलाई है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत फनी वीडियो बनी है।